पूरे बिहारवासी जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर एक नया समाज बनाने के लिए नीतीश कुमार का साथ देना चाहिए। सरकार का ये सराहनीय काम जल जीवन हरियाली अभियान हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए है, ये बहुत ही सराहनीय काम है। एक पेड़ एक साल में 700 किलो कैलोरी ऑक्सीजन देती है। बच्चों को ये शिक्षा देने की ज़रूरत है, उनके दिमाग में इस बात को डालने की ज़रूरत है कि हम अपने संपदा को संसाधनों को संरक्षित करें। नशा मुक्ति अभियान के दौरान जो मानव श्रृंखला का आयोजन हुआ था उससे बिहार का पूरे विश्व में नाम हुआ ही, विश्व रिकॉर्ड भी कायम हुआ। नीतीश कुमार के इन्हीं प्रयासों के तहत पर्यावरण संबंधी संदेश देने का अब पूरे विश्व में काम किया जा रहा है, जिसमें मानव श्रृंखला का 19 जनवरी को आज आयोजन होना है। जिला मुख्यालय में भी बड़ी संख्या में लोग रोड के किनारे एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे, पुलिस हो या व्यापारी या फिर कोई और दुकानदार। उसके बाद ढाका में विभिन्न पार्टियों के नेता और स्कूल के शिक्षक लोग भी अपने बच्चों के साथ उपस्थित होकर मानव श्रृंखला के द्वारा पर्यावरण को सुरक्षित रखने का विश्व समुदाय को एक संदेश दे रहे थे। उस दौरान अलग अलग पार्टियों के नेता भी थे। सर आपका शुभ नाम? नेहाल अख्तर। कहाँ से हैं सर आप? ढाका प्रखंड जदयू के अध्यक्ष हैं। माननीय नेता नीतीश कुमार ने 2016 में ही इस चीज़ को लाए थे कि भाई हरियाली जो है ना इस देश के लिए, इस बिहार के लिए, इस दुनिया के लिए ज़रूरी है। इसलिए 2016 में हम लोग जब पार्टी का सदस्यता अभियान चलाए थे उस समय भी 25 पेड़ लगा करके हम लोग को जो है ना पार्टी का सक्रिय सदस्य बनना था, और उसी समय से पार्टी जो है ना हमारे नेता नीतीश कुमार सरकार के द्वारा और जनता दल यू के संगठन के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जल जीवन हरियाली को जो है ना स्वच्छ बनाने के लिए हर आदमी को पेड़ लगाने का। जैसे हम लोग प्रखंड के अध्यक्ष हैं या हमारे पार्टी के जितने भी लोग हैं सभी लोग जो है ना हर साल पेड़ लगाते हैं सदस्यता अभियान के तहत, या ऐसे भी जब आह्वान करते हैं माननीय नेता। तो आज जो है ना देखिए, आज बरसात के मौसम में भी 2-3 दिन जो बारिश हुई है ये माननीय नेता नीतीश कुमार के प्रयास का जो है ना फल है कि आज जो है ना बरसात के मौसम में भी, ठंडी के मौसम में भी आज बरसात हो रहा है। मेरे समझ से बच्चे ही हमारे देश या पूरे दुनिया के भविष्य हैं, और बच्चों को ही ये शिक्षा देनी होगी कि वे पेड़ों को समझें, पर्यावरण को समझें, या पर्यावरणीय जो भी संसाधन हमारे पास हैं, जीवनोपयोगी जो भी संसाधन है उसको समझें, ताकि वो उसकी सुरक्षा हेतु अपने पहल को करें। पहली बात तो ये कि उसके सुरक्षा में अपने पहल, दैनिक जो दायित्व है उसको समझें और उसी हिसाब से अपने जीवन को वो आगे बढ़ाएं। जल हमारे लिए जितना उपयोगी है, आज पूरे भूमिगत जल का स्तर निम्न स्तरीय पर चला जा रहा है, धीरे धीरे घटता ही जा रहा है, तो आने वाले समय में ये जल संकट की समस्या उत्पन्न होगी। साथ ही हम देख रहे हैं कि पर्यावरण में जिस तरीके से असंतुलन उत्पन्न हो रहा है, चाहे वो मौसम में असंतुलन हो, चाहे वो जो भी संसाधन में असंतुलन हो, इस सारे असंतुलन को रोकने के लिए वृक्षारोपण होना जरूरी है। तो बच्चों को ये शिक्षा देने की ज़रूरत है, उनके दिमाग में इस बात को डालने की ज़रूरत है कि हम अपने संपदा को संसाधनों को संरक्षित करें। अपने मेथड से हम लोग क्या सोच सकते हैं कि पर्यावरण में उपलब्ध जो भी संसाधन है, जो खत्म होने वाला है, जिनका निर्माण नहीं होता है, उसको किस ढंग से संरक्षित करने का संदेश देंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है कि जो भी संपदा या संसाधन हमारे इस प्रकृति में अगर सीमित मात्रा में है, जो भी संपदा है, चाहे वो जीवाश्म ईंधन हो, पेट्रोलियम हो, प्राकृतिक गैस हो, LPG CNG के रूप में, या फिर जो कोयला है, इन सारे चीज़ों के बदले में हम वैकल्पिक स्रोत का इस्तेमाल करें। जिस तरीके से सौर ऊर्जा का हम इस्तेमाल करना सीख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे गाड़ियां हैं या उपकरण हैं जिनको सौर ऊर्जा के जरिए हम संचालित करते हैं, उस पर हम ज़्यादा ध्यान केंद्रित करें।
मेरा नाम राम पुकार सिन्हा हुआ, जनता दल यू के राज्य परिषद के सदस्य हैं, किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष और ढाका विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं। सबसे पहले मैं आपके ओम टीवी चैनल के माध्यम से पूरे देश और दुनिया को मैं बधाई देना चाहता हूँ, खासकर चंपारण की धरती से और ढाका विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से, कि जिन्होंने इतना ऐतिहासिक मानव श्रृंखला बनाकर जल जीवन हरियाली के समर्थन में नीतीश कुमार जी के संदेश को पूरे देश दुनिया में पहुंचाने का किया काम किया है, उसके लिए पूरे मैं बिहार वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से। और मैं ये बता देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक युग पुरुष है, उनके साथ वे कभी भी छल प्रपंच की राजनीति नहीं करते हैं। उनके साथ आज NDA गठबंधन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा है इस मानव श्रृंखला के समर्थन में। देखिए, आज अगर जीवन को बचाना है तो मुझे जल भी चाहिए और हरियाली भी चाहिए, यह पर्यावरण का मामला है। आप देखिए, एक जमाने में जब ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था तो रोड के दोनों तरफ फल लगवाए थे। आप मोतिहारी शहर को देखिए, जब अंग्रेज हुकूमत आई थी तो पूरे मोतिहारी शहर में सबसे पहले वृक्ष लगाने का काम किया था, वही उसी काम को हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी के शासन काल में इतना आप जान लीजिए कि आने वाले समय में जो भी प्राकृतिक प्रदत्त वस्तु है उस तमाम वस्तु को मुख्यमंत्री एक निखारने का काम करेंगे। आप गांव में जाइए, जो लोग कुआं बंद कर दिए थे, कुआं को खुदाने का काम हो रहा है, वृक्ष लगाने का काम हो रहा है, नली गली जो है उसको बनाने का काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने रचनात्मक काम कर रहे हैं और पूरे बिहारवासी जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर एक नया समाज बनाने के लिए नीतीश कुमार का साथ देना चाहिए, जो बिहार की जनता ने जल जीवन हरियाली के समर्थन में आज मानव श्रृंखला में ऐतिहासिक समर्थन करके काम करने का काम दिखाया है। सरकार का ये सराहनीय काम जल जीवन हरियाली अभियान हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए है, भाग्य आने वाले वंशजों के संरक्षण के लिए है, ये बहुत ही सराहनीय काम है। इसका हम लोग समर्थन करते हैं, प्रखंड मुखिया संघ के तरफ से भी और दवा व्यवसायी संघ ढाका के तरफ से भी हम लोग का समर्थन कर रहे हैं, इसमें भाग ले रहे हैं। पानी का संरक्षण करना चाहिए, जैविक खेती पर ध्यान देना होगा हम लोगों को, यदि कीटनाशक का प्रयोग कम से कम करना होगा। इसके लिए जो है सो कि जैविक खादी और सरकार को जल कुंभी से भी खाद बनाने की प्रक्रिया अपनानी होगी, ताकि घटते हुए जो मवेशी है, मवेशी खाद जो कम होते जा रहा है, उसके विकल्प के तौर पर हमको जल कुंभी का खाद बनाना चाहिए, ताकि हम लोग का कीटनाशक और खादों का प्रयोग कम करें, ताकि जल संरक्षण बचा रहे। कई किलोमीटर तक लोग खड़ा होकर विश्व को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम पर्यावरण के कितने रक्षक हैं और पर्यावरण के क्षेत्र में हम सभी मानव जाति को क्या भूमिका निभानी चाहिए। राजेश तिवारी, जिलाध्यक्ष, सांगठनिक जिला, ढाका, भाजपा। जल जीवन हरियाली प्रकृति का देना है, जल ही नहीं बचेगा तो प्रकृति में बहुत बड़का। और हरियाली मतलब पेड़ पौधा कटा है उससे पक्षी बहुत ढंग के, मतलब जो प्रकृति पहले से जो आता था उसको आज कष्ट है। जैसे पानी का वाटर लेवल घट रहा है, आने वाला 10-15 साल में अगर अभी हम लोग सचेत नहीं हुए तो पीने के पानी का भी संकट होगा। जब पानी का संकट होगा तो हम लोग किस आने वाले पीढ़ी को क्या देंगे। सुरेंद्र प्रसाद हुआ जी, आप कहां और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के संगठन जिला ढाका के अध्यक्ष, और मैं बधाई देना चाहूँगा कि आप भी कम से कम मीडिया के माध्यम से बिहार के इस संदेश को पूरे विश्व में बताने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए मेरी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई कि भारत विश्व गुरु रहा है और पूरे विश्व को भारत ने दिशा देने का काम किया है। यह पर्यावरण बचाओ या जल जीवन हरियाली के माध्यम से भारत ने जो प्रयास किया है, जिसमें धूमिल पड़ते जा रहा था, प्रकृति से दोहन जो किया जा रहा था, जल जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है आज समझ सकते हैं। आज वह जल का जलस्तर नीचे घटता जा रहा है। इसका कारण है कि प्रकृति का जो दोहन हो रहा है, हम मानव जो इसका दोहन कर रहे हैं, इसी का परिणाम बारिश समय से होना चाहिए और समय हो रहा है, ये उसी का उतार चढ़ाव के कारण। एक पेड़ एक साल में 700 किलो कैलोरी ऑक्सीजन देती है और एक मनुष्य एक साल में 1000 किलो कैलोरी ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये तो कर्तव्य बनता है कि प्रकृति से हम कोई कर्ज ना लें, इसलिए कम से कम एक व्यक्ति को दो पेड़ तो लगाना अति आवश्यक है।
जो हम प्रकृति से लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि ऐसे भी जहां हम लोग ऑक्सीजन जो सिलेंडर के माध्यम से किसी बीमार व्यक्ति को दिया जाता है तो 700 से 800 रुपए घंटे लिया जाता है, तो 24 घंटे में अगर इसका हिसाब जोड़ लें तो वह 20,000 से भी अधिक होता है, एक पेट देता है। और एक जो सिलेंडर के माध्यम से हम लोग लेते हैं स्वस्थ रहने के लिए, जो पेड़ हमें फ्री में देती है वही ना, तो स्वाभाविक रूप से प्रत्येक मनुष्य को कम से कम 2 पेड़ तो अपने जीवन में जिंदगी जीने के लिए लगाना ही चाहिए। और वायुमंडल जो दूषित हो रहा है, हम ईंधन जो खर्च करते हैं इससे जो हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड जो वायुमंडल में बढ़ रहा है, धन्यवाद कर दीजिए कि जो लोग पेड़ लगाए हैं और ये जो वृक्ष है मनुष्य के लिए कितने फायदे हैं कि वह 24,000 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड वह लेता है जो कम करने करता है, एक पेड़ सोखता है, तो स्वाभाविक रूप से पेड़ तो लगाना ही चाहिए। और यह संदेश कोई नया नहीं है, माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं इस कार्यक्रम को के माध्यम से पूरे विश्व को आम जनमानस को जगाने का कार्य कर रहे हैं, जो केवल पेड़ से फायदा लेते हैं और प्रकृति से केवल फायदा लेने का काम करते हैं, प्रकृति को संरक्षित और सुरक्षित करने का जो कार्य नहीं हो रहा था। इस मानव श्रृंखला के माध्यम से हम सभी जागरूक हुए हैं और निश्चित रूप से मानव जाति जागरूक होकर इस कार्य को करेंगे। आने वाले समय में जो प्रकृति असंतुलन होते जा रहा है, जल से और हरियाली का जो दोहन हो रहा था वह संरक्षित करने का कार्य होगा, इस मानव श्रृंखला से यही माने लोगों में जागरूकता आई। हम मोहम्मद अंजार खान ढाका प्रखंड के, हम पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं, यहाँ के जीतन राम मांझी के पार्टी से हैं, हम पार्टी उन्हीं का है। ये मानव श्रृंखला ये लगा अच्छा लगा, सराहनीय कदम है और इंसान के लिए पानी बचाना और हरियाली पेड़ लगाना ये तो आम लोगों के जीवन की बात है, आई होनी चाहिए, ये आम लोग को लगाना चाहिए। आज हम रिक्वेस्ट करेंगे पूरे जनता से कि ये लगावे, हमारे सेहत की बात है, हमारे ऑक्सीजन की बात है, ऑक्सीजन वही हमको देती है। तो मैं इसी के साथ इसको सराहनीय बताते हुए मैं ज़रूर कहूँगा कि अच्छा कदम है।